गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम एट होम। आज मैं आपके साथ अपना बालकनी की क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। इसमें मैंने ग्रीन ग्रास कारपेट डाला हुआ है, एज यू कैन सी। ऑल्सो जो मैंने बालकनी डेकोरेशन वीडियो बनाई थी उसके ऊपर बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे कि ग्रीन ग्रास को आप मेंटेन कैसे करते हो, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं इस ग्रीन ग्रास को मेंटेन कर रही हूँ, कैसे इसको क्लीन करती हूँ रेगुलर बेसिस, एंड बारिश आती है तो कैसे इसको मेंटेन किया जा सकता है। बालकनी डेकोरेशन की वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बट उस वीडियो में जितने भी सारे प्लांट्स मैंने शेयर किए थे वो, क्योंकि मैं लास्ट फ्यू मंथ से यहाँ पर नहीं थी ड्यू टू ऑल दिस कोरोना थिंग, मैं ससुराल गई हुई थी, तो इसलिए सारे प्लांट्स डाई हो चुके हैं। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग शेयर करने वाली हूँ। यहाँ आप देख सकते हो ये जो बेंचेस मैंने डाली हुई है ये सब मैंने क्लीन कर दी है ऑलरेडी। ग्रीन ग्रास को रिमूव करके एक बार मैं ये पूरी बालकनी वॉश कर चुकी हूँ। नाउ आई विल शो यू कि बिछी हुई ग्रीन ग्रास को भी कैसे आप ऊपर से क्लीन कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बालकनी का ओवरव्यू दे देती हूँ। ये आप देख सकते हो, ये है इस तरीके से ग्रीन ग्रास कारपेट बिछा हुआ। यहाँ आप देख सकते हो पीजन के कुछ फेदर्स है, बिकॉज पीजन कभी कभी आ जाते हैं बालकनी में, एंड काफी सारी डस्ट इकट्ठी हो गई है जो क्लीन होने के बाद आपको पता चलेगा कितनी सारी डस्ट होती है। यूजुअली हमें इतनी दिखाई नहीं देती। ये मैं यूज करने वाली हूँ आज अकारो का 2200 वॉट वैक्यूम क्लीनर, एंड आपको यूज करके दिखाऊंगी कि ये कितना अमेजिंग है। यहाँ इसके व्हील्स दिए हुए हैं जो मूवमेंट के लिए काफी बेनिफिशियल है। ये है इसका वायर जो सक्शन पाइप है, एंड ये है इसके सारे टूल्स। एक स्टेनलेस स्टील पाइप दिया हुआ है जिसको मैं इस पाइप के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ एंड इसको थोड़ा लंबा बना सकती हूँ। ये है इसके कुछ हेड्स जो डिफरेंट क्लीनिंग पर्पजेस के लिए यूज होते हैं, जो मैं आगे इस वीडियो में आपको यूज करके दिखाने वाली हूँ, तो आपको बेटर आइडिया लग जाएगा। कुछ फोर हेड्स आए हैं इसके साथ फॉर बेटर क्लीनिंग ऑफ एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ आर हाउस। यहाँ ऑन द बैक ऑफ दिस वैक्यूम क्लीनर आपको बटन मिलता है जो इस कंटेनर को रिमूव कर देता है, एंड इस तरीके से आप ओपन करके इसको क्लीन कर सकते हो। ये ड्राई वैक्यूम क्लीनर है तो सारी डस्ट इस कंटेनर के अंदर एक्युमुलेट हो जाती है। इसमें है हेपा फिल्टर, ये है पावर बटन, एंड ये है वायर वाला बटन। आप इस तरीके से वायर खींच सकते हो, एंड जब आप इस बटन को प्रेस करते हो ये ऑटोमेटिकली चला जाता है। यहाँ मैं डेली बेसिस पे फेदर्स को रिमूव कर देती हूँ सो दैट बालकनी बहुत ज्यादा डर्टी ना लगे, एंड इस ब्रश की हेल्प से ऑन ए डेली बेसिस क्लीन कर देती हूँ, तो छोटा मोटा जो कचरा होता है वो यूजुअली इस ब्रश से क्लीन हो जाता है फॉर एन एवरीडे क्लीनिंग। नाउ अगर आपको डीप क्लीनिंग करनी है तो आपको वैक्यूम क्लीनर की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज ये ब्रश काफी हेल्पफुल है बालकनी क्लीनिंग में। अभी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसमें कितनी ज्यादा डस्ट थी जो हमारी आईज से विजिबल नहीं थी। मैंने ये बड़ा वाला हेड फिक्स कर दिया है सो दैट मोस्ट क्वांटिटी में डस्ट एक्युमुलेट हो जाए। यहाँ आप देख सकते हो किस तरीके से ये येलोइश टर्न्ड ग्रास ग्रीन होते जा रही है, आपको मैं आगे भी दिखाऊंगी। तो मैं पहले ओवरऑल पूरी ग्रास क्लीन कर दूंगी एंड देन हम कॉर्नर्स को क्लीन करेंगे। इस वैक्यूम की सक्शन क्वालिटी काफी अमेजिंग है, इसलिए ये बहुत जल्दी बहुत अच्छे से ये डस्ट पूरी अब्सॉर्ब कर लेता है, सक कर लेता है, जिससे बालकनी बहुत जल्दी क्लीन हो जाती है। जस्ट 10 मिनट्स का टास्क होता है, आपकी अमेजिंग सी बालकनी रेडी हो जाती है फॉर अनदर 1 or 2 months के लिए बिल्कुल क्लीन। यहाँ आप देख सकते हो हाफ साइड जहां मैंने वैक्यूम कर दिया है वहां ग्रास मोर ग्रीनर लगने लग गई है कंपेयर टू द अदर साइड जहां पर मैंने अभी तक वैक्यूम नहीं किया है। अब हम पूरी बालकनी में वैक्यूम कर लेते हैं। तो ये जो छोटी नोजल है इसमें हेयर एंड फेदर्स बहुत अच्छे से एक्यूमुलेट हो जाते हैं। आप देख सकते हो फेदर्स बहुत अच्छे से सक हो जा रहे हैं इससे, एंड जितने भी हेयर है, जितने भी बहुत सारे हेयर आ जाते हैं, मैं आगे आपको दिखाऊंगी, वो भी इकट्ठे हो जाते हैं इस नोजल से। इट्स अ ग्रेट नोजल टू यूज। यहाँ मैं सारे कॉर्नर्स क्लीन कर लिए। अब मैं जो कॉर्नर हमारे पाइप के से नहीं जा रहे हैं वहां से भी डस्ट हटा दूंगी। आप देख सकते हो वो बिल्कुल जरा सी जगह है जहां पर बड़ा पाइप नहीं जा सकता है, तो वहां से भी ये डस्ट एक्युमुलेट हो जाएगी इससे। स्पेशली जो बालकनी की रेलिंग होती है वो बहुत ब्यूटीफुली क्लीन हो जाती है इस नोजल की हेल्प से। यहाँ आप देखिए, मैं बता रही थी ना आपको फेदर्स एंड हेयर बहुत सारे एक्युमुलेट हो जाते हैं इसमें। ये देखिए आप कितने सारे हेयर आ चुके हैं इसमें। नाउ मैं आपको ये जार भी ओपन करके दिखाती हूँ कि कितना ज्यादा डस्ट आई है।
हमें लग रहा था कि ग्रास पे बहुत ज्यादा डर्ट नहीं है, ये डर्ट हमें प्रॉब्लम करती है ब्रीदिंग के टाइम पर, एंड इसीलिए इसे क्लीन करना बहुत जरूरी है। कारपेट्स को क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वैक्यूम बहुत हेल्पफुल रहते हैं। अब देखिए इस ग्रास का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, ये बहुत ग्रीन लग रही है। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जब आपकी ग्रास पे डस्ट कितनी ज्यादा है और कितनी कम। यहाँ पर ये होल्स दिए हुए हैं इस ग्रास पे, सो दैट जब भी रेन होती है तो पानी ऑटोमेटिकली इससे निकल जाता है, नीचे के थ्रू नाली में चला जाता है, तो ग्रास बिल्कुल ड्राई हो जाती है एज सून एज ये थोड़ी सी धूप या हवा चलती है। तो इसे मेंटेन करना बहुत इजी है, ये टूटती नहीं है ग्रास, इसको आपको बार बार सुखाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक बार बिछा दीजिए एंड यू आर गुड टू गो। यहाँ आप व्यू देख सकते हो मेरी बालकनी का, बिल्कुल क्लीन एंड खोखी क्लीन लग रही है। आई कम्प्लीटली लव स्पेंडिंग टाइम इन माई बालकनी, इसलिए मुझे इसे क्लीन रखना बहुत पसंद है। So that is it about this video, guys. ये था कुछ इजी तरीके से क्लीनिंग करना, बिकॉज चीजों को खरीदना इज इजियर देन चीजों को मेंटेन करना, एंड आई बिलीव इन मेंटेनिंग माय थिंग्स। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।